हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज 3 जुलाई हो चुकी है बट अभी तक नीट का कोई भी ऑफिशियल अपडेट आउट नहीं हुआ है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने दोस्तों मार्च के महीने में एग्जाम फिक्स किया था 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त आने में दोस्तों मात्र 27 दिन का टाइम बचा है और अभी तक नीट के कोई भी ऑफिशियल ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं निकले। मतलब दोस्तों एग्ज़ाम होना बिल्कुल भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब नेवर, 1% भी हम यहाँ पर चांस नहीं है। फिर भी दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी तक एग्ज़ाम रद्द करने का फैसला नहीं लिया है, ना ही इसके ऊपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों हाल ही में यहाँ पर स्टूडेंट ने जो कैंपेन चला है ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, उनका भी कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला है। स्टूडेंट का कहना है दोस्तों कि क्या तो आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट करो या जो नई एग्ज़ाम डेट है उसका अनाउंसमेंट करो, बट गवर्नमेंट और NTA की तरफ से दोस्तों कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। स्टूडेंट का कहना ये भी है कि हम जल्दी ही नेट एग्ज़ाम या नीट एग्ज़ाम करवाने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है। दोस्तों उनका कहना है कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होना चाहिए, अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है तो दोस्तों जुलाई के एंड में आपको ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में दोस्तों अभी यहाँ पर कुछ सिटी में कोरोना के केस भी बढ़ते हुए दिखाए गए, जहाँ पर ये वापस अलग से एक रीजन हो सकता है कि कोरोना के वायरस केसेस। अगर हम बात करें दोस्तों साउथ में या छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है, तो इस हालत को देखते हुए दोस्तों जो थर्ड वेव लेयर आएगी हमारी वो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ही प्रभावित होने वाली है। इसके कारण यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि दोस्तों गवर्नमेंट के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक कोरोना के केस डाउन नहीं होते ही गवर्नमेंट इस पर फैसला नहीं लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने दोस्तों ये फैसला मई के अंदर ही ले लिया था जब इन्होंने CBSE बोर्ड को कैंसिल किया था। कैंसिल करने के बाद दोस्तों हाल ही में इन्होंने CBSE जो प्रमोट किए गए स्टूडेंट का रूल भी बना दिया है और रूल में सब बच्चों को पास करने की गारंटी दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि नीट के फॉर्म कब आते हैं। नीट के साथ दोस्तों काफ़ी ऐसे एग्जाम है जो अभी पोस्टपोन चल रही है, जैसे JEE हो गया, नीट एग्जाम हो गया, CSIR हो गया और काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट का इस पे क्या फैसला आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।